हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि टाटा टियागो में चार्जिंग का सबसे आसान तरीका, सबसे इजी वे। आप कहीं भी जाएं, फ्रेंड के यहाँ जाएं, रिलेटिव के यहाँ जाएं, आप इजीली चार्ज कर सकते हैं। कोई आपको अलग से चीज़ें खुद से ले जानी नहीं है, उनसे कुछ मंगानी नहीं है। सिंपल एक वायर और एक कील की मदद से आप आराम से कहीं भी किसी होटल में चार्ज कर सकते हैं, गार्डन में चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी टाटा टियागो, ये मैंने अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगा रखी है। रात का समय है, मैं आपको सारी बात बताऊंगा कैसे चार्ज होती है, कितना टाइम लेगी और कि सिंपल वे क्या है चार्जिंग लगाने का। तो ये अपनी वायर अपने घर में जा रही है, घर के बाहर पार्किंग कर रखी है दोस्तों हमने। ये देखिए सिंपल घर के अंदर चार्जर लगाया हुआ है, अभी तो हमने नीचे ही रखा हुआ है। और ये हमने एक अलग से इसका 3 पिन प्लग बना रखा है और एक कॉपर वायर इसके साथ अटैच की हुई है। ये देखिए ये वायर हमने अटैच की हुई है अलग से, वायर जो कि अर्थिंग के लिए अलग। ये दोस्तों हमने इस वायर को कील से अटैच करके एक सिंपल लोहे के पाइप के साथ जोड़ दिया है। लोहे का पाइप आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, तो आप घर में या कहीं भी हो, आप इसे अलग से एक अर्थिंग की वायर लेके सिर्फ उसमें कील लगा के लोहे के वायर के साथ अटैच कर सकते हैं। और ये देखिए हमने अलग से प्लग बनाया हुआ है, ये हमने 5-6 मीटर का अलग से बनाया हुआ है। इसे हमने इसे नॉर्मल किसी प्लग में आप लगा सकते हैं, 3 पिन प्लग हो या 2 पिन प्लग हो आप लगा सकते हैं। कुल मिला के जो प्रॉब्लम आती है वो अर्थिंग में आती है। तो आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है, तीनों इसमें लाइटें, वही ग्रीन लाइटें जल रही हैं, एक ब्लिंक करती है, दो जलती हैं। तो दोस्तों ये है सबसे आसान तरीका चार्जिंग करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे चला सकते हैं, ऑन करने में जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है मैं उसका भी तरीका आपको बताऊँगा। और मैंने दोस्तों मैक्सिमम स्पीड यानी कि टॉप स्पीड कितनी पकड़ती है गाड़ी, उसके भी एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेक करें। सो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।